हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं ऋषिकेश, और ऋषिकेश में अभी मैं खड़ा हूं रेलवे स्टेशन पर। तो आपको दिखाता हूं दोस्तों, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन क्या भव्य नज़ारे से बनाया गया है। आपको आते ही यहां पे फील होगा कि वास्तव में मैं एक योग नगरी, पहाड़ी नगरी में आ चुका हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन के नज़ारे। तो मेरे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए क्या शानदार भव्य तरीके से बनाया गया ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। दोस्तों, जैसे ही आप रेल से बाहर निकलते हैं तो सामने आपको ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलता है। ये देखिए दोस्तों, क्या शानदार नज़ारा। रेलवे स्टेशन वास्तव में बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। बीच में ऐसे देखिए, बहुत ही हरे भरे पेड़ लगाए गए हैं, कितना क्लीन नीट। सामने देखिए पहाड़ी पहाड़। क्या शानदार नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है दोस्तों। देखिए, रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश का, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। मैं अभी जस्ट रेल से उतरा हूँ और बाहर निकलते ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते देखिए दोस्तों, क्या खूबसूरत नज़ारे। फिर दोबारा से ऐसा लगता है जैसे किसी फॉरेन कंट्री के रेलवे स्टेशन पे आ गए हम दोस्तों। दोनों तरफ क्या शानदार गार्डन बनाया गया है। शानदार। तो ये ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन के ही नज़ारे थे दोस्तों, जो आपको दिखाना बहुत जरूरी बनता था। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ शानदार रेलवे स्टेशन। ये इसके जैसे रेलवे स्टेशन से हम बाहर निकलते हैं तो ये बाहर का मुख्य द्वार दिखा रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है दोस्तों, योग नगरी ऋषिकेश, और योग नगरी ऋषिकेश में आपका भव्य स्वागत है। तो ये देखिए रेलवे स्टेशन के कुछ मुख्य भव्य नज़ारे। क्या शानदार रेलवे स्टेशन बनाया गया दोस्तों। चारों तरफ देखिए हरियाली ही हरियाली। क्या शानदार गार्डन बनाया गया है। ये मैं आपको ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के बाहर के नज़ारे दिखा रहा हूँ, और अंदर तो आपको मैंने अभी दिखाया ही है दोस्तों, जस्ट अभी 2 सेकंड पहले मैंने आपको दिखाया है। क्या शानदार नज़ारे। स्टेशन के जैसे ही बाहर आ पाते हैं दोस्तों, तो देखिए शिव शंकर भोले शंकर की बहुत ही भव्य एक मूर्ति बनाई गई है। बहुत ही शानदार मूर्ति, बहुत ही भव्य मूर्ति। और मैं आपको दिखाऊं कि जस्ट इसके सामने नंदी बैल की भी, नंदी बाबा की भी भव्य मूर्ति बनाई गई है जस्ट भोले शंकर के सामने। बहुत ही भव्य मूर्ति। तो यार, आप जैसे ही ऋषिकेश आते हैं, ऋषिकेश में आपका इतना भव्य स्वागत होता है तो आपका मन वैसे ही खुश हो जाता है दोस्तों। तो सही अर्थों में एक योग नगरी की जो प्रकाष्ठा है उसको दर्शा रहा है ये रेलवे स्टेशन। बहुत ही शानदार बनाया गया है।
चारों तरफ गार्डन ही गार्डन, क्या शानदार भव्य मूर्तियां बनाई गई हैं रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही प्रांगण में, शानदार भव्य नज़ारा। चारों तरफ क्या शानदार खूबसूरत गार्डन बनाया गया है, देखिए रेलवे स्टेशन के प्रांगण में आप ऐसा सुंदर गार्डन की उम्मीद भी नहीं कर सकते, और इतना सुंदर गार्डन बनाया गया है, ये देखिए पीछे पहाड़ हैं अगर आपको दिखाई दे रहे हो, और बहुत ही खूबसूरत गार्डन, चारों तरफ वृक्ष वृक्ष पेड़ पौधे फूल सब चीज़ें लगाई गई हैं दोस्तों। तो यार जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं और आपका ऐसा स्वागत होता है, ऐसे हरी भरी हरियाली देखने को मिलती है, तो आपका दिल तो वैसे ही खुश हो जाता है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे बने रहते हैं और हमारी वीडियो को देखते रहते हैं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, तो आपका बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। और ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन।